नमस्ते। भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी का सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क विभाग द्वारा आ बीजो प्रयोग छे, जे खास करीने पीजी पूरु कर्या बाद एक नवा प्रकारनु प्रशिक्षण એટલે કે નેટ અને સ્લેટ માટેની સજ્જતા, તૈયારી અને તત્પરતાના ભાગરૂપે આપણી વચ્ચે આજે કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે, જેનું આજે ઉદ્ઘાટન છે। એ ઉદ્ઘાટન સત્રમાં ઉપસ્થિત કે જેણે હમણાં પોતે બહુ ડિટેલ સાથે નાની નાની માહિતીઓનું સંકલન કરી અને ખૂબ સારું પ્રેઝન્ટેશન કર્યું એવા પટેલજી, વિભાગના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર ઝાલા, ભાઈ દેવાણી, ઋષિરાજ, અને મને બહુ આનંદ થાય છે કે લગભગ માત્ર જૂનાગઢ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી કે જૂનાગઢની સંસ્થાઓ નહીં, ગુજરાત નહીં પણ ભારતભરમાંથી ટુડે વી હેવ ગોટ રજિસ્ટ્રેશન, ઓલમોસ્ટ ઓલ 400 રજિસ્ટ્રેશન એક્રોસ ઇન્ડિયા, એન્ડ ધેટ ટુ નોટ ઓનલી ઇન ધ સબ્જેક્ટ ઓફ સોશિયોલોજી, વી હેવ ગોટ ધ રજિસ્ટ્રેશન ફ્રોમ અધર સબ્જેક્ટ્સ એઝ વેલ, બિકોઝ ધ પેપર નંબર 1 ઇઝ યુનિક એન્ડ ઇક્વલ ફોર ઈચ એન્ડ એવરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ, સો ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ વેરી વેરી બિગ અચિવમેન્ટ। જૈસે મેં હિન્દીમાં એટલે બોલ રહા હું, ઇંગ્લિશમાં કે મુજે યાદ આ ગયા કે બહુ સારા લોકો ગુજરાત કે બહાર સે ભી જુડે હુએ હૈ, તો વી હેવ ટુ કીપ દેટ થિંગ્સ ઇન અવર માઇન્ડ, દેટ વી હેવ ટુ ડિલિવર ધ થિંગ્સ ઇન ધ મીડિયમ વિચ દે પીપલ કેન ફીલ કમ્ફર્ટેબલ। તો અમે ઇંગ્લિશ સે જ્યાદા મેં હિન્દીમાં બહુ લોક જ્યાદા સમજ શકે કે ઇસકો ધ્યાનમાં રખતે હુએ ये बोलता हूँ हिंदी में, क्योंकि ये जो प्रशिक्षण का जो प्रोग्राम है पास्ट ईयर में उसको बड़ी सफलता मिली थी। बहुत सारे बच्चों ने नेट स्लेट निकाला था, इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों ने कई यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो भी हूबहू नेट स्लेट जैसा है, तो उन बच्चों ने कहीं ना कहीं ये प्रशिक्षण का बहुत ही बढ़िया योगदान है। ये प्रशिक्षण के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जितने लेक्चर सीरीज होती है वो स्टूडेंट वो टाइम पे तो देखते हैं, उसके बाद भी ये सब यूट्यूब में अवेलेबल रहता है, तो बहुत अच्छी तरह से बच्चे उसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे पराग ने बताया, 5 साल पूरे किए यूनिवर्सिटी ने, मैं समझता हूँ और सोचता हूँ आप कितने साल पुराने हैं कोई मायना नहीं रखता, आप कितने नंबर में वर्क करते हो कोई मायना नहीं रखता, आपके इरादे कैसे हैं, आपके हौसले कैसे हैं, आपका विजन कैसा है, आपका मिशन कैसा है, आपका टीम वर्क कैसा है और आप किस दिशा में जाना चाहते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पूरी ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम और उसके साथ जुड़े हुए सभी एक्सपर्ट्स, मैं उसको भी याद करूँगा, ये अपने अपने क्षेत्र के बड़े दिग्गज है, अपने अपने क्षेत्र में वो नेट स्टेट की पुस्तकें प्रकाशन उसके नाम से मानी जाती है, उसका पेपर सेटिंग हो या उसका कोई परामर्शन हो, तो सभी जगह पे ये लोग काम करते हैं, वो सब लोग भी इस कार्य में जुड़ते हैं, इसके लिए मैं उसको भी धन्यवाद करता हूँ। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम में भाग लिया है, इस सबको मैं खास सूचन करना चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से इत्मीनान से धैर्य से अपना हायर एजुकेशन के बाद की कारकिर्दी, जिसमें आप अध्यापकीय सज्जता और वो करना चाहते हैं कहीं ना कहीं टेट और टेट जिन लोगों ने बीएड किया है उसके लिए भी उपयोगी है, ऐसा नहीं है। नॉलेज विच यू परसीव, नॉलेज विच यू गेन, दैट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑलवेज कैरिंग विद अस, बिकॉज इन 21st और 22nd सेंचुरी वीपन्स आर व्हाट, टूल्स आर व्हाट, द काइंड ऑफ नॉलेज विच यू पोजेस, द काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच यू हैव, द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग एंड परसिवेशंस ऑफ द थिंग्स, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स। तो मैं फिर से एक बार जिन जिन बच्चों ने भाग लिया है सभी को खूब खूब धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ, और जिन एक्सपर्ट्स वो लोग आने वाले हैं उस सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और लास्ट में, बहुत कम बोलते हैं मगर अपने काम में बहुत ही इत्मीनान रखते हैं, ऐसे डॉक्टर झाला और उसकी एक्टिव टीम, जैसे 3 लोग है 30 लोग जैसा काम करते हैं, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद करके, मुझे एक और मीटिंग में जाना है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं फिर से साधुवाद करके बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।